और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर टैक्स चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल पीयूष जैन के घर से 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। करोड़ों की जीएसटी चोरी के मामले में ये रेड हुई थी। कारोबारी पीयूष, उसका बेटा प्रत्युष हिरासत में है। इस कारोबारी का समाजवादी पार्टी से काफी क्लोज रिलेशन, काफी नजदीकी कनेक्शन बताया जा रहा है। फर्जी कंपनियां रसीदों के जरिए चोरी का ये बड़ा खुलासा हुआ है और जब से खबर सामने आई हर कोई सन्न है। इतना पैसा अंदर से मिला कि लोगों की आंखें फटी फटी रह गई। नोट गिनने की मशीनें एक के बाद एक आती रही। 25 से ज्यादा कंटेनर्स में इन पैसों को भरकर वहां से ले जाया गया। तो देखिए, सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि जाहिर सी बात है 150 करोड़ रुपए ये सिर्फ कैश जब्त किया गया है। ऐसे में करोड़ों की जीएसटी चोरी के मामले में भी रेड हुई थी। आपको ये बता दें कि कारोबारी पीयूष, उसका बेटा प्रत्युष हिरासत में है। दरअसल इत्र कारोबारी का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन क्या है, इतना पैसा कहां से आया। आठ बक्से में 150 करोड़ का काला माल, इतने नोट की मशीन भी हो गई बेहाल। काले इत्र में महका समाजवादी कुनबा। काला कारोबार वर्सेस ऑपरेशन बिग बाजार। यूपी में लुटेरों के सिमसिम दरवाजे खुलने लगे हैं। इन दरवाजों के भीतर से काले कारोबार की जो कहानी बाहर आ रही है, उसने समाजवादी कुनबे की नींद उड़ा दी है। जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम तो कानपुर के इस बंगले के भीतर 3 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और फर्जी इनवॉइस पर 2 नंबर का माल बेचने की जांच करने पहुंची थी, लेकिन बंगले के अंदर तो मानो कुबेर का खजाना दफन था। हर दीवार पर काले कारोबार की तस्वीर टंगी थी। घर के हर कोनों से नोट बरस रहे थे। जीएसटी और आईटी की टीम जहां हाथ रखती, वहीं से करोड़ों की गड्डियां निकल पड़ती। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिले अरबों रुपए को गिनने के लिए 9 मशीनें और करीब 10 लोगों को लगाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी इन्हें गिनने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस छापेमारी में 150 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। काले धन के इस कुबेर के रिश्ते समाजवादी पार्टी से बताए जा रहे हैं। खबर है कि 1 महीने पहले पीयूष जैन ने लखनऊ में समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। कानपुर में डाली गई इस रेड के बाद से समाजवादी कुनबे में काले इत्र की महक आने लगी है और समाजवादी पार्टियां के मुखिया को भी सफाई देनी पड़ रही है। समाजवादी बबुआ अखिलेश यादव ने ट्विटर पर रिट्वीट करके कहा है कि इस छापेमारी को समाजवादी पार्टी से कतई न जोड़ा जाए। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति इन्होंने जुटाने का काम किया था, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया था। फिलहाल काले धन के कुबेर पीयूष जैन और उसके बेटे प्रत्युष जैन को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। इनकम टैक्स की टीम को और भी काले धन के बरामद होने की उम्मीद है। सवाल बड़ा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में घर से बरामद हुआ कैश बैंक में क्यों नहीं रखा गया। सवाल तो ये भी है कि नोटों के छोटे छोटे बंडल बनाकर उन्हें इस तरह क्यों सील किया गया हो, जैसे उन्हें कहीं पार्सल करने के लिए रखा गया था। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इन नोटों का इस्तेमाल यूपी विधानसभा चुनाव में होने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।